भारत के भाग्य विधाता मतदाता भाइयों एवं बहनों, आप सबको नरेंद्र मोदी के नमस्कार। नमस्कार, दुरुस्त न्यूज में आप सभी का स्वागत है। सपने बेचते बेचते अब लोग वोट के इश्तेहार भी बेचने लगे हैं, यही हिंदुस्तान की राजनीति का एक नया पहलू है। आपका वोट सिर्फ किसी को पराजित करने के लिए नहीं है, आपका वोट भारत के भाग्य को बदलने के लिए है। लोकतंत्र की मांग है हम जाति बिरादरी से ऊपर उठें, संप्रदायवाद से ऊपर उठें, सबका साथ सबका विकास। एक ऐसा वीडियो वायरल किया जा रहा है जिसमें पीएम मोदी आपसे वोट की अपील करते नजर आ रहे हैं। एक बार एक सेवक को आजमा करके देखिए। मैं आज हिंदुस्तान के हर गली मोहल्ले में हर मतदाता से मैं खुद के लिए वोट मांगने आया हूँ कि आप कमल के निशान पर बटन दबाइए। भारत के भाग्य विधाता से इस वीडियो की शुरुआत होती है। शुरुआत करने के बाद वो वोटरों को लुझाने की कोशिश करते हैं, फिर लोकतंत्र का भी नाम ले लेते हैं और लोकतंत्र के हवाले से वो ये कहते हैं कि लोकतंत्र की मांग है कि जाति बिरादरी संप्रदाय से उठकर आपको वोट करना चाहिए। मोदी साहब यही नहीं रुकते हैं, वो आगे बढ़कर ये भी कहते हैं, आपका वोट सीधा सीधा मुझे मिलने वाला है और मैं आपको भरोसा देने आया हूं कि मैं आपके सपनों को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। कि जो आपका वोट है वो सीधे उन्हीं को जाने वाला है और वो आज आपसे अपने लिए यानी मोदी साहब खुद के लिए वोट मांगने आए हैं। वो ना किसी पार्टी के लिए मांग रहे हैं, ना ही वो किसी इंडिविजुअल के लिए मांग रहे हैं। जो वो वोट मांग रहे हैं वो खुद के लिए मांग रहे हैं और आपका जो भी वोट जाने वाला है वो सीधे मोदी साहब के पास जाने वाले। फिर एक बार आपको मैं मतदान करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। लोकतंत्र विजयी हो, भारत विजयी हो, भारत माता की जय। क्या आपको लगता है जो वो कह रहे हैं उनका ये स्टेटमेंट सही है या फिर वो आपको एक और नए सपने में उलझाने की कोशिश कर रहे हैं? ऐसा नहीं है कि ये बात सिर्फ पीएम मोदी या फिर बीजेपी से जुड़ी हुई है। ऐसा कांग्रेस पार्टी या फिर कोई भी राजनीतिक पार्टी जो कि स्टेट लेवल में काम करती है वो भी आजकल ऐसा ही कर रही है। रियलिटी में जो मोदी साहब ने ये कहा कि आपका प्रत्येक वोट उन्हीं के पास जाने वाला है, तो इससे बड़ा झूठ शायद कुछ और हो ही नहीं सकता है। यही स्टेटमेंट हम कांग्रेस को भी बताते हैं। अगर कांग्रेस भी इसी प्रकार के किसी वीडियो इश्तिहार पे आती है तो वो भी झूठ ही बोल रही है, क्योंकि यकीनन आपके क्षेत्र पे पीएम मोदी नहीं खड़े होने वाले हैं या फिर राहुल गांधी भी आपके क्षेत्र के नेता नहीं है। आपके क्षेत्र का नेता अलग है। आपको उन्हीं लोगों को पहचानने की ज़रूरत है जो आपके सीधे संपर्क करते हैं, जो आपके पास आते हैं और आपसे वोट मांगते हैं। इस तमाम ताने बाने को समझना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहले एमएलए कौन होता है? एमएलए वो होता है जो एक छोटे दायरे में आपके इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं। 2 लाख या फिर 2 लाख से नीचे के जो वोटर्स होते हैं उसको एक कॉन्स्टिट्यूएंसी कहा जाता है, यानी जब स्टेट में इलेक्शंस होते हैं वहाँ पर एमएलए चुने जाते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर इलेक्शन यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, मध्य प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटका में या फिर केरला में हो रहे हैं तो वो एक स्टेट के इलेक्शंस हैं, वहाँ पर एमएलए को चुना जा रहा है। जो एक जनरल बॉडी इलेक्शन होता है जो कि आने वाला है, यहाँ पर एमपीज़ को चुना जाता है। एमपीज़ वो लोग होते हैं जिनके अंडर में 8 से 10 एमएलएज होते हैं, यानी 8 से 10 कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो प्रतिनिधित्व करता है वो एमपी कहलाया जाता है। उदाहरण के तौर पर और अगर आपको हम सरल समझाएं तो दिल्ली की बात करें, दिल्ली में 70 एमएलए सीट्स हैं और साथ में 7 एमपी सीट्स हैं, यानी हर एमपी के नीचे 10-10 एमएलएज काम करते हैं। तो जो पीएम मोदी का ये कहना है कि आपका वोट उन्हीं को जाने वाला है, तो ये साफ तौर पर एक बहुत बड़ा झूठ है। जिस तरह से बाकी वायदे वो फैलाते हैं उसी प्रकार से एक और वायदा उन्होंने आपको कर दिया है, या फिर ये कहिए एक बहुत बड़ा झूठ बोला गया है आपसे ताकि आप उनके चेहरे को देखकर वोट दे दें और आप ऐसे किसी इंसान को चुन लें अपने इलाके के लिए जो शायद सक्षम है ही नहीं आपके इलाके में काम करने के लिए।
मान लीजिए एक ऐसा शख्स आपके इलाके में खड़ा हो गया है जिसके सर पर सैकड़ों इल्ज़ाम लगे हैं, सैकड़ों केसेस चल रहे हैं, और वो आपके इलाके का है ही नहीं, और आपने वोट दे दिया बीजेपी को या फिर पीएम मोदी साहब के कहने पर पीएम मोदी को ही। आपके इलाके में एक ऐसा क्रिमिनल आके बैठ जाएगा जिसका अस्तित्व बहुत खराब है, क्या आप ऐसे इंसान को अपने इलाके का नेता चुनेंगे जो कि एक क्रिमिनल है, या फिर ऐसा इंसान जो कि कभी आपके इलाके की सुध लेगा ही नहीं क्योंकि आपने तो उसको वोट ही नहीं दिया, आपने तो पीएम मोदी को वोट दिया है। क्या आपको लगता है कि आपके इलाके की कोई भी समस्या पीएम मोदी खुद सुन लेंगे? क्या आप उनसे संपर्क साध सकते हैं? यकीनन तौर पर नहीं कर सकते हैं। जो इंसान आपके घर तक पहुँचता है वोट मांगने के लिए, ये कहता है कि मैं इस इलाके पे खड़ा होने वाला एमपी या फिर एमएलए हूँ, तो सीधे वही लोग आपसे जुड़ते हैं, वही लोग आपके इलाके पे आके काम करते हैं। उन्हीं का जो ऑफिस होता है वो आपके इलाके में किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए पहले आता है, पीएम मोदी नहीं आएंगे। ये तमाम लोग अपनी बात पार्लियामेंट में जब जाके उठाते हैं तब आपकी समस्याएं सुनी जाती हैं। कई सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसमें जिसको पार्लियामेंट तक पहुंचने की ज़रूरत ही नहीं होती है, इनके हाथ पर इतनी ताकत होती है, इतने पावर्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से कि वो लोग खुद अपनी लेवल पर उन चीज़ों को निपटारा कर सकते हैं। हमारा जो वोटर है, हिंदुस्तान का जो वोटर है, वो हमेशा से पिछले 74 सालों से ऐसे ही वोट दिए जा रहा है कि एक चेहरे के पीछे या फिर एक पार्टी के पीछे हम पीछे भागे चले जाते हैं। हमने कभी भी ये कोशिश नहीं करी कि हम अपने इलाके में खड़े होने वाले उस नेता के बारे में जानें कि आखिर वो कौन है, क्या वो हमारे इलाके में काम करेगा, क्या उसको हमारे इलाके के बारे में कुछ भी पता है। ऐसा ही कुछ वाराणसी, अमेठी और असम के साथ भी पहले हो चुका है। वाराणसी से मोदी साहब इलेक्शन लड़ चुके हैं, अमेठी से हर साल राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते आ रहे हैं, और पिछले जो पूर्व प्रधानमंत्री थे वो असम से इलेक्शन लड़ चुके हैं। क्या आपको लगता है तमाम लोग हर वक्त हर समय अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के दौरे लगाते हैं? यकीनन नहीं लगाते हैं। उनके लोग वहां जाते हैं? यकीनन नहीं जाते हैं। कुछ एक पॉलिशिंग कर देना, कुछ एक सड़कें बना देना, ये एक एमपी एमएलए का कार्य नहीं होता है। एमपी और एमएलए को अपने इलाके के दौरे हर पल करने होते हैं। ऐसा नहीं है वो जीते तो वाराणसी से हैं और वो घूम कहीं और रहे हैं, जीते तो वो अमेठी से हैं और पूरे हिंदुस्तान का दौरा वो लगा रहे हैं। ऐसा नहीं चलता है। जिस क्षेत्र का वो नेता है उस क्षेत्र में हर हफ्ते या फिर महीने में दो बार तो उसका जाना ज़रूरी बनता है, और उन लोगों की सुध लेना बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ पर काम क्या हो रहे हैं। दूसरी बात, जो लोगों की जो प्रतिक्रिया आती है कि वो ये कहते हैं कि जो केंद्र की सरकार है अगर वही सरकार हमारे इलाके में भी होगी तभी हमारी प्रगति होगी, तभी हमारी जो चीज़ें हैं बातें हैं वो सुनी जाएंगी सही तौर पर। ऐसा नहीं है। हर एमपी एमएलए को एक एक्स अमाउंट दिया जाता है कि आप अपने क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए इस तमाम पैसों को आप खर्च कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होता है कि कांग्रेस के नेता को कम दिया जाएगा और बीजेपी के नेता को ज़्यादा दिया जाएगा, या फिर राज्य की कोई एक लोकल पार्टी है उसको कम ज़्यादा दिया जाएगा। तमाम लोगों को एक बराबर हिस्सा बांटा जाता है, ये कहकर कि आप अपने क्षेत्र पे जो डेवलपमेंट कर रहे हैं इस पैसे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी जो गली मोहल्ले में जो परेशानियां होती हैं, आपके जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको उस पैसों से डेवलप किया जाता है या फिर सुलझाया जाता है। इसके अलावा जो स्टेट लेवल पर जो सरकार काम करती है वो बड़े कार्य करती है, बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, ये सारा जो जिम्मा होता है ये उन्हीं लोगों का होता है। अगर आपने एक सही नेता चुना अपने क्षेत्र में, यकीनन वो और प्रभाव डालता है आपकी पूरी सरकार पर। अगर आपने ये ठान ली कि जो हम वोट दे रहे हैं वो सही इंसान पर वोट देंगे, हम किसी चेहरे के पीछे वोट नहीं देंगे, हम किसी पार्टी के पीछे वोट नहीं देंगे, बल्कि हम एक इंडिविजुअल को वोट देंगे, तो शायद हमारा देश बहुत साफ सुथरे एक इलेक्शन से गुजरेगा और हमारे पास जो नेता आएंगे, जो पार्लियामेंट तक पहुंचेंगे, वो भी एक साफ छवि वाले होंगे, जो लोगों की सुनेंगे, जो अपने मोहल्ले इलाके की सुनेंगे। और जब मोहल्ला इलाका साफ हो जाता है तो हिंदुस्तान को साफ करना बहुत बड़ी बात नहीं होती है।
ऐसे झूठे इश्तिहारों से बचें, ऐसे लुभावने सपने बेचने वालों से बचें, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्रीय पार्टी के हो। आपको अपना नेता चुनने का हक है, आप अपने नेता को सही चुनें। कोशिश ये करें जितने भी लोग आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में खड़े हैं उन सब के बारे में जानें। अगर आप नहीं जान सकते हैं तो हर इंसान के हाथ में फ़ोन है, आपके बच्चों से जानने की कोशिश करें कि हमारे क्षेत्र पे कौन कौन खड़ा है और इनके बारे में आप हमें बताएं, ताकि आपका वोट व्यर्थ ना हो, आपका वोट सही जगह पे जाए। नोटा पे वोट डालने का मतलब ये है कि आप अपना वोट वेस्ट कर रहे हैं, बल्कि अगर आप अपने वोट को एक सही इंसान को देंगे तो एक अच्छा पार्लियामेंट हम बनाने की कोशिश कर सकते हैं। पार्लियामेंट पे अगर ज़्यादा साफ छवि वाले लोग बैठेंगे तो हमारे देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो भी साफ होएगा। आपको झूठे वायदे कोई नहीं करेगा, बल्कि काम हकीकत पर, ज़मीनी तौर पर होएगा। बने रहे हमारे साथ द रूस्ट न्यूज़, जो आपको तमाम खबरें दिखाता है जो सीधे आपकी जड़ों से जुड़ी हुई होती हैं। सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको तमाम खबरें मिलती रहें जो हम सिर्फ और सिर्फ आपके लिए बनाते हैं। धन्यवाद।